इत्थे की करते हुंदे आ, लड़की जवान सी विआह जांदा इहदा फलाना जे काम रहे गल्लां फिर भी उत्थे ही करे, उहदा कोई दुख नहीं है, उहदे कम्मां दी विचार उत्थे चली जांदी। साध सिंह जी सतगुरु महाराज एडे दयालु कृपालु ने सानू पहला साडे मन दीआं आसां जाणदे ने, कट कट के अंतर की जा, भावें आपां नाम ही कहीए ना महाराज नूं तां वी उह जाणदे ने। फिर कहना क्यों पैंदा है, अरदास क्यों करनी पैंदी है, जिमें माँ को पता है बच्चे ने सवेर का कुछ खाधा पीता नहीं, दुध नहीं पीता, पता तो माँ को ही है, पर जिन्ना चिर बच्चा माँ वाल देख के रोंदा नहीं तो उतनू बाहवा नहीं ना करता, उतनू हाथ नहीं करता, उन्ना चिर माँ चुक के उन्होंने गल नाल नहीं लाउंदी तो दुध नहीं पिलाउंदी, उन्ना चिर खेडता रहे सारा दिन खेडी जाए भुखा प्यासा। तो सतगुरु महाराज कहिंदे जिमें माँ इहदे पुत्तर दे औगण नहीं अपने बच्चे दे औगण नहीं चितारदी, सतगुरु महाराज नूं एडी दयालु ने, पर सिखा तो अरदास तां करना मार दे चरना मेहर तां करेगा, फिर कदे हत्थ खड़े कीते सच्चे पातशाह दे अगे महाराज मेरी पेश नहीं जांदी, मैं बड़ा जतन कर लिया, अज हूं बकार न छोड़े पापी मन मंदा, क्यों छूटो कैसे तरो भवजल नित भारी, राख राख मेरे बीठ ला जब सरन तुम्हारी, बेनती तो करया कर। तो फिर जरूर गलना दारण के तू तो चाहते ही नहीं मेरे ते कृपा करे, मंग के देखता भला कि बेनती कर, उसकी जदी कृपा मेहर कर दी, तू चाहते ही नहीं कि मैं मेरा भला हो, जो मंगने फिर दही जाता कहते मंगी चल, दही भी जाता पर सुख नहीं मिलना किसी चीज़ के लिए। सो सत सिंह जी महाराज कहते जे तेरिया आसा भी पूरिया हो जाए, गुरु जानता अंतर जामी है बिना बोलिया जानता है, पर बेनती तक करे ना सिख, अरजोई तक करे, महाराज जानते ने साडिया मन दीआं आसा सारियां, ते आसा भी दस दे तेरे मन च आसा की है, फिर उहदा इलाज भी दस दे। सब तो प्रबल आसा जिहड़ी, सब तो तीबर इच्छा जिहड़ी साडे मन च सारिआं दे ही है कि दुनिया का सज्जो समान दुनिया के पदार्थ मेरे को सब तो ज्यादा होने चाहिए, कोई थोड़ा नहीं मंगता दुनिया च, महाराज थोड़ा ही दे दे, गुजरान ही है, अरबांपति भी सिर ते नहीं बनी फिरदा, ते मजदूरी वाला भी भुखा नहीं सौंदा। ये तीन गल्लां परमात्मा ने सब नूं दित्तियां ने, कुल्ली गुल्ली जुल्ली, रहण वास्ते मकान, छकण वास्ते भोजन, पाउण वास्ते वस्त्र, तीन कपड़े, दो प्रसादे, एक मंजे की थां। अरबापति कोल भी यही है, किसी ने अरब का महल बनाया, सारे थोड़ा लेटता एक मंजे से पैदा, किन्ने को ब्रांड पा देगा महंगे, तीन कपड़ी पाने ना, तो पकवान किन्ने को महंगे खा लेगा, पेट ही भरना, किरिया तो उन्नी हुई है सारे, पर जिन्हें करोड़ों का महल बनाया वह सौ नहीं सकता चैन, अजे आप मात्रता सौ जाने ना वह नहीं सौंदे, जिस ग्रह बहुत तीसरा ग्रह चिंता, वो तो दवाइया लै लैके सौंदे, वो तो बाहरों लगते हैं लकड़ी में बड़ा वधिया रंग किया, बिचों तो घुणे ने खा ली है सारी, जिन्हें तुहानू ज्यादा बाहरों लगन कहना भी बल्ले बड़ी बड़ी कृपा, नेड़े हो के देखे वो चैन नाल सौ नहीं सकते सास, सत संग जी जिन्हें रुखा मिस्सा खाधा सादा सके हजमे भी आराम नाल ही आती है, तो नींद भी वधिया आ जाए। डॉक्टर कहते हैं वो तंदुरुस्त बंदा होंदा जिन्हों खाधा हजम आ जाए तो नींद आ जाए, फिर सुखी कौन होया,
माया होने को माड़ी गल नहीं है, करोड़ापति होना कोई माड़ी गल नहीं है, गुरु नूं भुल जाना माड़ी गल है, सास परमेश्वर नूं बाणी नूं भुल जाना माड़ी गल है। फिर बाहरों तो सुखी लगेगा पर अंदर उन सुख नहीं होगा। देखो सो बेनती करिए जिहड़ी तीबर इच्छा सब दे मन दे विच कि सब तो ज्यादा तो दिती सजो समान मेरे को हो गए तो महाराज कहते फिर जे तू पदार्थ चाहना है मात लोक तो लैके सचखंड तक जिन्ने पदार्थ वो तेनू सेवा करके प्राप्त होंगे। ये जिहड़े चार पदार्थ ने धर्म अर्थ काम ते मोक्ष ये सेवा कर सेवा दे दीन रखे गए ने चारे पदार्थ। चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा भी जे तेरे मन च इच्छा है ना भी मैनू मात लोग तो लैके सचखंड तक पदार्थ मिलन तो फिर गुरु घर की संगत की सेवा करे धर्म की प्राप्ति हो जाती है सेवा करने वाले। धर्म तो भाव के उहदे जीवन च शुभ गुण आ जाते जदों आपां धर्म धारण करते हैं तो साडा खाना पवित्र हो जाता है साडा पहनना पवित्र हो जाता है साडा बोलना पवित्र हो जाता है साडा बैठना पवित्र हो जाता है। जिहड़ी पवित्र चीज है वह सुख रूप है। कोई भी तुसी घर पवित्र रखोगे खाना पवित्र खाओगे पहनना पवित्र तो सुखी रहोगे। मैली कोई भी चीज़ है घर मैला कपड़े मैले खाना मैला ये रोगी कर दिंदा इस चीज़ में। बाबा खाना खुशी खुआ जित खाता है तन पी ली है मन में चला विकार रोगी कर दिंदा। जिहड़ा धर्म धारण करता है सारे परिवार ने धर्म धारण कर लिया जो तुम वो घर जाओगे उन्होंने घर जाओगे सवेरे शाम तो थानू लगेगा कि मैं धार्मिक स्थान पर आ गया कोई नितनेम कर रहा है कोई सिमरन कर रहा है कोई गुरु की गल कर रहा है कुछ महक आ रही है सुगंधी आ रही है वो घर ही धार्मिक स्थान लगेगा तुम। तो जिहड़े घर धर्म धारण नहीं किया उन्होंने घर झड्डियां खिल रही होनगियां बदबू आ रही उन्होंने शरीर च उन्होंने कपड़े लग्या करंगा वाड़ी जा गया कि धर्म पवित्र आपां नूं पवित्रता बगदा जिहड़े घर धर्म आ जाए घर पवित्र हो जाए जदों समाज में धर्म आ जाए समाज पवित्र हो जाए जदों जदों धर्म अलोप होंदा है धर्म समाज विचों फिर गलियान फैलती है नफरत फैलती है भाइयों के भाई दुश्मन हो जाते हैं देशों के देश कौमों के कौम अज हालात की है बस खत्म करनी बनी हुई है मन के शरीर करके खत्म कर दो। चलो जे शरीर करके खत्म नहीं हो रहा जायदाद तो खत्म कर दो तो जे जायदाद तो बच के पैसे तो खत्म कर दो जे बाहर चले फिर इन इज्जत तो खत्म कर दो ये अपने अंदर बन गई है खत्म करनी क्यों अज किसी को धर्म की गल करो कहिंदा वेले बंदियां दी गल्लां ने ये तो पुरानी गल्लां ने जिन्नी अज खुदकशियां हो रही हैं जिन्हों विद्या का जमाना कह रहे हो साइंस का जमाना कह रहे हो पहला कदे नहीं होया आ बजुर्गों के वेले किसी इलाके कितने मौत हो रही हाहाकार मच हूँ गुआढ़ी के घर च कुछ नहीं असर हो रहा भी तो होंगे ही रहा अज क्यों हो रही हैं अज लोग धर्म को भार समझ रहे वाधू समझ रहे वेले बंदियां दी गल्लां ने तां इस करके अज खिचाव बढ़िया होया भी मजैला बीड़ के बैठे ने भी खत्म कर देना बस हुई नहीं है बाहरों धर्म दी गल्लां हो रही हैं पर अंदरों लालसा खत्म हो गई तुहाडे बहुतियां दे केस जायदादां दे चल रहे तुसीं की करना पैंदा
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇਹੀ ਝਗੜਾ? ਬਸ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਸਮਾਜ 'ਚ ਲੋਪ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਗਲਿਆਣ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਦਾ। ਧਰਮ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਸੁਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੈਸੇ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਰਜਨ, ਜੀਵ ਦਾ ਸਵੈ ਧਰਮ ਹੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਸੁਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਸੂਲ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਜੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਸੂਲ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸੂਲ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੂਲ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਰਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ ਜਾਉਂ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਵੀ, ਰਾਮ ਵੀ, ਬੀਠਲ ਵੀ, ਠਾਕੁਰ ਵੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼। ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਹਿਮਣ, ਸੂਦ, ਵੈਸ, ਉਪਦੇਸ਼ ਚਾਹੋ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਰੀ ਜਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਪੇਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਕਹੇ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰਾਮ ਮਨ ਬਸੈ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੇ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਕੌਣ ਜਪਦੇ? ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਜਪਦੇ। ਰਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਪਕ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਆਪਕ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਆਖਿਆ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਜਾ ਖੜਿਆ ਕਰ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੰਜ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਮਸੀਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਚੜ ਜਾਏ। ਰੀਤਾ ਪੇ ਨਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ ਕਦੀ ਹੀ ਚੱਲਣ ਆਇਆ, ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ, ਤੈਨੂੰ ਮਸੀਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜ ਵਕਤ। ਕੈਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ? ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਕਤ, ਪੰਜ ਪੰਜਾਂ, ਪੰਜੇ ਨਾਓ, ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਮਨ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜਾਏ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੰਗਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਸਹੀ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਜਦੀ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ ਕਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
सारे धर्म चंगे ने, वो लोग नहीं चंगे जिन्होंने अपने धर्म नाल प्यार नहीं है। धर्म सारे चंगे है, धर्म की प्राप्ति हो जाती है सेवा करने वाले। एक शरीर का धर्म अपना अपना, समुची लुकाई का धर्म की है, सारे संसार का धर्म की है, इस जीव का धर्म की है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बेनती की, महाराज जी सारे कहने साडा धर्म बड़ा चंगा है, महाराज कहते सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कम। ये सारी दुनिया का धर्म, सारे धर्म चंगे कर्म करो परमात्मा का नाम। पहला धर्म की प्राप्ति हो जाती है, वो जीवन च पवित्रता, वो जीवन चंगे गुण आ जाते। धर्म धारण करना भाव चंगे गुण धारण करना, जिहड़े इंसान दे विच होने चाहिए ने, वो धर्मी पुरश नूं दस्या जाए। जिन्हों भार समझदे हो ना, उहदा भार लै जांदा जिहड़ा धर्म ते चलना शुरू कर। एक तो भला तो होना सुभाविक है, उसकी शोभा भी होने लग जाती। सच्चे मार्ग चलदिया उस्तत करे जाए, धर्म की प्राप्ति हो जाए। धर्म फिर अर्थ दुनियावी धन की प्राप्ति हो जाती है, दुनियावी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। सेवा करने वाले जिन्हों के घर दो टाइम का प्रशादा बड़ी मुश्किल नाल पकदा सी, जिन्हां ने सेवा की गुरु घर की संगत की सास नहीं, उन्हां दे घर लहरा पहरा देखिया जा सकती। लोक मजदूरी देत है क्यों रख है भगवान, अपने घर क्यों मजदूरी करता है दिहाड़ी ते लगे, वो कम करे ते पैसे देने का मालक नूं फिक्र लगे भी शाम नूं इहनूं दे के घर नहीं आ। हो सकता आप थोड़ा बहुत वाधा घाटा कर ली, चल इन्ने का थोड़े ला ले, पर जेडे गुरु की हजूरी च बैठे ने इस घर का कोई एक भांडा भी मां दे के लंगर ते सतगुरु का भी महात्मा दे। चलो भांडा तो फिर भी बहुत वड्डा हुंदा। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तां भी कहिंदे ने एक तिल लिया के लंगर च पा दे, गुरु के लंगर च एक तिल लिया के पा दे। सच्चे पातशाह ने भी पता है भी एक तिल लंगर च लैके आया, तो गुरु ने उहदा भी तैनू महात्मा देना, एक तिल नहीं भन्ना घर। इत्थे इन्ना इंसाफ हुंदा कि तेरी तिल जिन्नी घर ना भी गुरु जाणदा भी इन्हें तिल लिआंदा है गुरु के लंगर च, इहदा महात्मा देना। तू कदम चलिया गुरु के वल, एक कदम घरों गुरु ने भी पता तू कदम किन्ने चल गया, ते तेरी अरदास होनी है फिर सच्चे पातशाह संगतां दा चलिया कदम कदम देखे चला। गोडे रह गए तुरद्या फिरद्या पै, पर तेरे कदम उही लेखे च पै ने जिहड़े जिहड़े सतगुरु महाराज वल चलिया। पाव सुहावे जां तौ धिर जुलदे, सी सुहावा चलनी महाराज कहिंदे सुहावे ने पैर जिहड़े तेरे घर वल चल के आए, तेरे कदम भी लेखे च पैंदे। जिन्ने सुस तेरे गुरु की जूरी च बैठ के आने गए तेरे सुस भी सफले हो जाए, तेरा समा भी सफला हो।